ईरान के मीडिया ने बिन्यामिन नेतन्याहू के प्रधानमंत्री पद से विदाई पर खुशी जताई है। बीते 12 साल से इसराइल की सत्ता पर काबिज और ईरान विरोधी बिन्यामिन नेतन्याहू को इसराइली संसद में नई गठबंधन सरकार के पक्ष में बहुमत होने के कारण अपना पद गंवाना पड़ा है। अब दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेता नेफ्टाली बेनेट इसराइल के नए प्रधानमंत्री हैं। हालांकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस बात की भी पुष्टि की है कि इसराइल के साथ उसकी दुश्मनी स्थायी है और ये किसी भी व्यक्ति विशेष या नेता से जुड़ी हुई नहीं है। इसराइल में सत्ता परिवर्तन के बाद ईरान की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया 14 जून को विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने कहा, हमें नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति के आने या जाने से यरूशलम पर कब्जा करने वाले शासन की नीतियां बदल जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि ईरान का अहित चाहने वाले सभी जा चुके हैं और ईरान अब भी मजबूत बना हुआ है। समाचार चैनल IRINN समेत कई अन्य ब्रॉडकास्ट मीडिया हाउसेज ने फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के हवाले से कहा कि नेतन्याहू का पतन बीते महीने इसराइल फलस्तीन के बीच हुए हिंसक संघर्ष में उनकी जीत का परिणाम है। रेडियो ईरान ने इसराइल के प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू की विदाई के लिए फलस्तीन के प्रतिरोध आंदोलन को श्रेय दिया है। रेडियो ईरान ने नई गठबंधन सरकार को लेकर भी टिप्पणी की है। उनके मुताबिक नई सरकार देश की समस्याओं को संभाल नहीं पाएगी। रेडियो ईरान का कहना है कि खुद उनके अपने समर्थक भी इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं कि नई सरकार लंबे समय तक सत्ता में रह पाएगी। हार्डलाइन वतन एमरूज अखबार ने अपने पहले पन्ने पर नेतन्याहू की एक उल्टी तस्वीर प्रकाशित की है और कैप्शन दिया है, फॉल ऑफ द क्लाउन। सरकार द्वारा संचालित सरकारी अखबार ने लिखा है, नेतन्याहू पंक्ति के अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं। वहीं मध्यमार्गी अखबार जौनहुरिय इस्लामी ने लिखा है, नेतन्याहू का 12 साल का आपराधिक शासन समाप्त हो गया। नेतन्याहू ने सत्ता परिवर्तन के दिन यानी 13 जून को कहा था कि ईरान जश्न मना रहा है क्योंकि इसराइल में अब एक कमजोर सरकार है। नेतन्याहू के इस बयान को ईरान के कई अखबारों और न्यूज वेबसाइट्स ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हम शहरी ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट ने इस बयान के हवाले से अपनी एक खबर के लिए शीर्षक दिया, नेतन्याहू ईरानी आज जश्न मना रहे हैं। ईरान की समाचार एजेंसियों ने नेतन्याहू के शासन के अंत के बाद इसराइल में कई जगहों पर मनाए गए जश्न समारोहों को बड़े स्तर पर कवर किया है। अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी ISNA के अनुसार हजारों इसराइलियों ने तेल अवीव और अल कुद्स की सड़कों पर नेतन्याहू की विदाई का जश्न मनाया। न्यूज वेबसाइट से इतर सोशल मीडिया पर भी इस खबर की काफी चर्चा रही। कई लोगों ने नेतन्याहू के जाने पर खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट शेयर की। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, मारे गए कमांडर कासिम सुलेमानी का बदला अभी बाकी है, लेकिन पहले के दो हाइना धराशायी हो गए। यहाँ हाइना यानी लकड़बग्घों का अर्थ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से था। एक अन्य यूजर ने लिखा है, दाएश यानी इस्लामिक स्टेट ग्रुप चला गया, इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन चले गए, ट्रंप चले गए, नेतन्याहू भी चले गए, लेकिन जो चीज़ अब भी खड़ी है वो है क्रांति और क्रांतिकारी विचारधारा।